प्रधानमंत्री इस वक्त महाकाल मंदिर के अंदर हैं, अंदर एंट्री कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक खास तरह की वेशभूषा होती है जब आपको मंदिर के गर्भगृह में जाना होता है। आप आम कपड़ों में नहीं उसमें जा सकते हैं, क्योंकि महाकाल के दरबार में आप आए हैं। आपको महाकाल के नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि इस पूरे उज्जैन धरती के जो राजा है वो महाकाल है, और महाकाल जैसा चाहेंगे आपको वैसा ही वहां आना पड़ता है। फिर चाहे वो एक आम नागरिक हो या फिर प्रधानमंत्री हो, और प्रधानमंत्री भी उसी वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने इस वक्त धोती और साफा पहना हुआ है, उनके गले में भी एक लाल रंग का साफा दिखाई दे रहा है, और अंदर पूरी फूलों से सुसज्जित ये पूरा परिसर दिखाई दे रहा है। उस पूरे मंदिर के अलग अलग गलियारों से निकलते हुए प्रधानमंत्री अब गर्भगृह में जा रहे हैं, और किस तरीके से ये पूरा परिसर खूबसूरती से सजाया गया है ये आपको तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। हम जब मंदिर के अंदर गए थे तो मंदिर के परिसर को हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अब क्योंकि दिन ढल रहा है, मंदिर के अंदर जो लाइटिंग भी है वो कितनी खूबसूरत मंदिर को के अर्थ को और चार चांद लगा रही है। मंदिर के अंदर जिस तरीके की ये पूरी खूबसूरत सजावट की गई है वो आज के इस खास मौके पर की गई है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने नंदी का आशीर्वाद लिया, क्योंकि महादेव के सबसे करीबी है नंदी, महादेव के सामने रहती है हमेशा नंदी। और नंदी का आशीर्वाद लेने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर के परिसर के गर्भगृह में जा रहे हैं। गर्भगृह में एंटर करते हुए प्रधानमंत्री आपको सीधा लाइव तस्वीरों में दिखाई देंगे। इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, और तमाम जो अंदर महंत हैं, जो साधु संत हैं, वो पुजारी हैं, वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने महाकाल का आशीर्वाद लिया है, हाथ जोड़कर नमन लिया है, उनकी इजाजत ली है कि आपका ये जो महाकाल लोक बनाया गया है उसका लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री आए हैं। और उसके लिए प्रधानमंत्री को सबसे पहले महाकाल का आशीर्वाद लेना था, उनकी इजाजत लेनी थी, और उसी के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त महाकाल मंदिर के परिसर में आपको दिखाई दे रहे हैं। पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर महाकाल के सामने बैठे हैं, महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं, और पूरे मंत्र उच्चार के साथ ही पूरी पूजा अब शुरू हो चुकी है। देखिए, ये क्योंकि शाम का वक्त है, 4 बजे तक जो जानकारी हमें मिली है कि 4 बजे तक ही रुद्राभिषेक होता है, इसीलिए इस वक्त रुद्राभिषेक तो नहीं होगा, लेकिन तमाम मंत्रों उच्चार के साथ जो पूजा अर्चना की पूरी विधि है वो इस वक्त वहां पर की जा रही है। तो देखिए, मंत्रोच्चार इस वक्त हमें सुनाई दे रहा है जो अंदर इस वक्त मंदिर के गर्भगृह में हो रहा है। हाथ जोड़े हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक त्रिवदा तापोपक्षमनाथम
भगवान स्वयं वो सांब सदा शिवाय नमः समस्त भारत वर्ष विजय फल प्राप्त तम विश्व कल्याण हेतु महाकालेश्वर तन्मे मनः शिव संकल्प चरण कमलेभ्यो प्रियं प्राणम नमस्कारानि अर्पयामि नमस्करोमि भगवान सांब सदा शिवाय नमः अतः ध्यानम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वसा नमोस्तुते मा पार्वत्यै नमः पार्थिव स्वामी जत्रभानः संपदन्ति कुमार ऋषिका इव तन्न इन्द्र बृहस्पतिरधिदेहे शर्म चतुर्विश्वाहा शर्म चतुर् पार्थिकेश्वराय नमः सेनापते नमः नमस्कारा निम्ब नंदी गंगा ध्यान कर लीजिए माशो शिरानु रघवन भीम गणाधना जो बल जन गणेश संतन धनो निधते कबीरा सतगो सेना अजर सा कविंद्र विकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सायुधाय सह शक्तिकाय नमः ध्यानम अक्षतानिम अर्पयामि भगवान महाकालेश्वर ध्यानम ओम 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 स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम ब्रह्मभर्गं जगदामहे सुवर्णं हेम पुष्टिवर्धनं पूर्वारूपमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयाम प्रधानमंत्री को पूजा आरती करते हुए आपने देखा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से महाकाल के गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये पूजा अर्चना का पूरा रिचुअल क्या होता है ये समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप कई दिनों से देख रहे होंगे ये पूरे भव्य महाकाल कॉरिडोर की, महाकाल मंदिर परिसर की, आप अपने शब्दों में इन तस्वीरों को समझाइए, कितनी भव्य कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। देखिए, भगवान महाकाल का जो स्वरूप है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ये जो दिव्य दृश्य दिखाई पड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से वहां मंदिर के गर्भगृह में ध्यान की मुद्रा में हैं और साधना की मुद्रा में हैं, यह दर्शाता है कि भारत का स्व किस प्रकार से जुड़ा हुआ है भगवान शिव के साथ। देखिए, भगवान शिव तो एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया है, अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग उनसे उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान शिव भगवान राम को भी आशीर्वाद देते हैं, रामेश्वर का शिवलिंग रामेश्वरम का उसका प्रमाण है। भगवान शिव तो रावण को भी आशीर्वाद दे दिए थे, इसीलिए अभी देखिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी की साधना की का जो ये चित्र है, अभी इसके ऊपर बहुत सारे प्रकार की टिप्पणियां भी आ सकती हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी भावना से देखेंगे। अब भगवान शिव की स्तुति में तो गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, तो वो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम लिखते हैं, तो उसे गोस्वामी जी की रचना कहा जाता है। उसी प्रकार अगर शंकराचार्य जी जो शिव पांचाक्षर स्त्रोत लिखते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराकाय महेश्वराय, जिसमें ओम नमः शिवाय के पांचों उसका वो है, तो वो भी उसको शंकराचार्य जी की स्तुति माना जाता है। यहाँ तक कि अगर जटाटवी कलज जल प्रवाह पावस्तले वाला जो शिव तांडव स्त्रोत रावण रचता है तो उसको भी सम्मान दिया जाता है। परंतु हमारे यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव को अलग अलग नजरिए से देखने वाले लोग यह नहीं देख पाते कि इसकी विराटता कितनी, जो मुझे लगता है कि भारत की इस वास्तविक विराटता को मोदी जी के आने के बाद हम अनुभव कर पा रहे हैं। जिस क्षण आपका मन आपका की भावना महाकाल में श्रद्धा के साथ जुड़ती है, तो उस क्षण आपके मन की भावना वही भावना उत्तर में अमरनाथ के साथ जुड़ जाती है, पश्चिम में सोमनाथ के साथ जुड़ जाती है,
पूर्व में मल्लिकार्जुन के साथ जुड़ जाती है, दक्षिण में रामेश्वरम के साथ जुड़ जाती है, काशी विश्वनाथ के साथ जुड़ जाती है, त्र्यंबकेश्वर के साथ जुड़ जाती है, और इतना ही नहीं वो नेपाल के पशुपतिनाथ के साथ भी काठमांडू के जुड़ जाती है, पाकिस्तान के कटास राज के साथ भी जुड़ जाती है, और चीन के अधिकार में चले गए कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ जाती है। यानी एक बिंदु पर आपने ध्यान केंद्र किया और आप मानसिक रूप से संपूर्ण भारतीय राष्ट्र, जिस इसीलिए हम इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके साथ आपकी चेतना एकाकार हो जाती है। वो हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, वो हमारी चेतना का हिस्सा रहता है। और इसकी विराटता मैं एक और बात भी बताता हूं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लें, यहां तक कि मंगोलिया में जो बड़े बड़े मकबरे हैं इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, उसके की भी बाहर त्रिशूल और शंगी लगा हुआ है। क्यों? ये माना जाता है कि उनका धर्म पहले क्या था, पहले उनका धर्म तेंद्रिन था, और तेंद्रिन ऐसा प्रतीत होता है कि तंत्र का ही अपभ्रंश रहा होगा। और इतना ही नहीं, 21वीं सदी में जो अभी तक के इन 21 सालों में जो सबसे बड़ी खोज हुई है साइंस की, वो है गॉड पार्टिकल, जिसे आम भाषा में कहा जाता है, और उसका वैज्ञानिक और वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजा गया है। और यूरोप की सन लेबोरेटरी की लॉबी में भगवान शिव की नटराज की तांडव करती हुई मूर्ति लगी है, और उसके नीचे ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक फिट्ज़ कैपरा का एक कोट लिखा है कि बताइए किसी भी वैज्ञानिक लैब में आपने किसी भगवान की मूर्ति देखी होगी? और फिर से कैपरा लिखता क्या है कि नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब आप बताइए, यानी वो कह रहे हैं विज्ञान जहां पहुंचा है कि ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस भगवान शंकर के कॉस्मिक डांस की तरह है। और अब मैं वापस लौट के आता हूं, महाकाल क्यों कहते हैं? देखिए, काल तो तब तक है जब तक ब्रह्मांड का अस्तित्व है, और इस काल का भी क्या महत्व है ब्रह्मांड के अस्तित्व में, अभी तो 100 साल पहले ही पता चला। उससे पहले तो स्पेस ही मानते थे हम, जब से आइंस्टीन ने कहा कि द यूनिवर्स इज नॉट जस्ट स्पेस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो काल और अंतराल, ये तो सदैव से आगम ग्रंथों में कहा गया है, जिसका शिव जी उपदेश देते हैं, काल और अंतराल ही टाइम एंड स्पेस है। परंतु यह महाकाल क्यों है, यहां भस्मारती क्यों होती है? क्योंकि जब आप काल से परे हो जाते हैं, यानी वहां जहां काल समाप्त हो जाता है, तो वो महाकाल है, यानी वह जीवन और मृत्यु का वह सेतु, जहां जाकर इस संपूर्ण सृष्टि का जो सृजन का सिलसिला है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए वो महाकाल है। और काल गणना के हिसाब से भी प्राचीन काल में उज्जैन को केंद्र माना जाता था। इसीलिए देखिए शिव जी अलग अलग रूप है, पश्चिम में देखिए सोमनाथ क्यों है, क्योंकि चंद्रमा पश्चिम तो उगता है तो वहां सोमनाथ है। ये भारत के केंद्र में है, काल गणना का केंद्र उज्जैन से था, यहां पर महाकाल है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देने का बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं धर्म का बहुत बड़ा मर्मज्ञ हूं या मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति हूं, मैंने उसमें कोई आधिकारिक दीक्षा ले रखी, परंतु जो कुछ अपना स्व अर्जित सूक्ष्म ज्ञान है उससे मैं यह बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। सिर्फ मैं दर्शकों से कह रहा हूं भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में जो गहराई है, उनके प्रतीकों के अंदर जो महत्व है, उनके ईश्वर ने जो जो रूप धारण किया है और उस रूप धारण करने के जो निमित्त हैं, यदि वह हम समझेंगे तो हम समझ सकेंगे कि हमारी धर्म और संस्कृति की व्यापकता क्या है, उसका प्रभाव क्या है और उसके अंदर की गहराई क्या है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, देखिए उज्जैन में जो कुंभ लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिंहस्थ को। बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा कि उसे सिंहस्थ पर्व क्यों कहते हैं। उसे सिंहस्थ पर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बृहस्पत सिंह राशि पर आता है तो उस समय उज्जैनी में कुंभ होता है, और 12 वर्ष के बाद बृहस्पत पुनः सिंह राशि पर आता है, इसलिए हर 12 वर्ष के बाद उज्जैन में सिंहस्थ पर्व होता है। अब बताइए जुपिटर का रोटेशन टाइम अराउंड द सन 12 ईयर्स है, इनको तो 100-150 साल पहले पता चला, हमारा तो हजारों साल से चला आ रहा है, अनादिकाल से महाकाल की नगरी में सिंहस्थ पर्व हर 12 वर्ष के बाद होता चला आ रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां विज्ञान धर्म से इस कदर जुड़ा हुआ है कि हम कई बार उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, और हम उस माइंडसेट के कैप्टिव हो गए हैं जहां धर्म और विज्ञान में संघर्ष था, तो ये मान के चलते हैं कि धर्म विज्ञान के खिलाफ ही रहा होगा। हमारे यहां वो उसका हिस्सा है,
और मैं इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई कहे कि इस विषय का नाम मोदी जी के साथ क्यों जोड़ रहा, तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, यदि तुलसीदास जी ने नमामि शमशान लिखा उसे तुलसीकृत कहा जाता है, यदि शंकराचार्य जी ने शिव पंचाक्षर स्त्रोत लिखा उसे शंकराचार्य कृत है, दोनों ही शिव की स्तुति। उसी प्रकार महाकाल के इस भव्य स्वरूप को, यह स्वरूप देने का सौभाग्य प्रधानमंत्री जी को मिला है, और उस समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, तो मानी हुई बात है उनका नाम भी इसके साथ जुड़ेगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और मैं तो कहूँगा वास्तविकता में तो भारत में इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी जब स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ की स्थापना की थी, मगर कालचक्र की कुछ गति ऐसी कि कुछ लोगों के मस्तिष्क पर राहु काल सवार हो गया, और इस कारण से वह प्रयास जो कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद सोमनाथ के जीर्णोद्धार से शुरू हुआ था, उसको दोबारा मुकाम तक आने में या इस अवस्था तक आने में एक समय लगा। आपने देखा काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में किस प्रकार से मोदी जी ने यह किया था, उसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं, चाहे केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा हो या आपने देखा तेलंगाना में रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा हो, तो भारतीय संस्कृति के ज्ञान के जो प्रतीक हैं, हमारी आध्यात्मिक चेतना के जो प्रतीक हैं, उन सारे तत्वों को आज अगर हम ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, अब ये स्वतंत्रता का अमृत काल है, यानी 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक, तो अमृत काल में वो अमृत तो उभरना ही चाहिए। अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अभी आपने दिखाया गया जो आपके कॉरिडोर में, तो सागर मंथन का दृश्य दिखाया गया कि दोनों तरफ, एक तरफ देवता खड़े हैं, एक तरफ वो खड़े हैं। अब आप ये बताइए, सागर मंथन का ऐसा ही बड़ा दृश्य, क्या आपको ध्यान है किसी को कि ये भारत के बाहर किसी एक बहुत बड़े एयरपोर्ट के ऊपर है, वो है बैंकॉक का एयरपोर्ट जिसे स्वर्ण भूमि कहते हैं, वहां उतरिए तो इतना ही बड़ा सागर मंथन का एक बहुत बड़ा ऐसे ही चित्र नहीं, पूरा एक मूर्ति का प्रेजेंटेशन जैसे यहां पे है उससे भी बड़ा लगा हुआ है, और उसमें लिखा है एज डिपिक्टेड इन हिंदू स्क्रिप्चर्स लाइक देवी भागवत एंड विष्णु पुराण। और मैं उल्लेख करना चाहूंगा थाईलैंड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश, और किसको डिपिक्ट कर रहा है अपने एयरपोर्ट पे, देवी भागवत और विष्णु पुराण, राजा टाइटल होल्ड कर रहा है किंग रामा द टेंथ। कुछ लोग ऐसे हैं विचित्र जो भारत में आके मतभेद पैदा करने का प्रयास करते, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अमृत काल में अमृत प्रारंभ होने से पहले बहुत सारा विष भी निकालना चाहिए जो हमारे मनों में बैठा हुआ है, मैकाले के जमाने से और बाद में मार्क्स के मानस पुत्रों ने, मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्रों ने जो मनोरोग उत्पन्न कर दिया था, उस कारण से हम अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रहे, और इस प्रकार के जो प्रयास हैं अब क्रमशः जगह जगह भारत की वास्तविक शक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि यदि महाकाल में, भगवान महाकाल के परिसर को दिव्य और भव्य स्वरूप मिल रहा है, तो यह कालचक्र की एक गति पूर्ण होने का प्रतीक है, और मैं कह सकता हूं कि भारत के स्वर्णिम काल का श्री गणेश होने का एक संकेत मुझे दिख रहा है। बिल्कुल सुधांशु जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस पूरे पल को बयां किया, किस तरीके से भगवान शिव की क्या महत्वता है सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि देश विदेश में। लेकिन आपने देखा होगा कि कई जगह पर प्रधानमंत्री की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहती है, खास तौर पर हमने जैसे देखा है कि केदारनाथ मंदिर के को पूरी तरह बदलने के लिए, उसके पूरे स्वरूप को किस तरीके से और भव्य बनाने के लिए। इसके अलावा झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर की बात करें या फिर गुजरात के सोमनाथ मंदिर की बात करें, और हम काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को कैसे भूल सकते हैं, और अब आज हम जहां यहां पर हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो शिव भक्ति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे जैसे आपने कहा कि काशी विश्वनाथ में कितनी बार जाके प्रधानमंत्री जी ने आराधना की, केदारनाथ में 5 बार गए, और सोमनाथ तो चलिए उनके गृह राज्य का ही है, उसके तो शायद वो ट्रस्ट में भी, प्रबंधक ट्रस्ट में भी हैं, वैद्यनाथ में गए, तो ये दर्शाता है कि भगवान शिव के प्रति एक अगाध आस्था प्रधानमंत्री जी के मन में है, और वो निश्चित रूप से हर व्यक्ति में होनी चाहिए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान शिव की वह ऊर्जा संपूर्ण भारत के कण कण में विद्यमान है, और
उसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव के प्रति इसलिए भी ज्यादा प्रधानमंत्री जी के मन में होगी, क्योंकि भगवान शिव वह स्वरूप है जो विष को गले में धारण कर लेते हैं, विष पान करते हैं और उसके बाद उसे अपने कंठ में रोक कर जगत का कल्याण करते हैं। मैं थोड़ा ही देखिए, यह पॉलिटिकल मौका नहीं, मगर एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी से पूछा गया था एक बार कि आप इतना अनवरत काम करते हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते, सुबह से शाम तक काम करते, इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि मैं रोज 1-2 किलो गाली खाता हूं और उससे मैं ऊर्जा लेता हूं। तो मैं कहता हूं शायद भगवान शंकर जैसे विष धारण करते हैं वैसे ही वो प्रेरणा लेते होंगे भगवान शंकर के उस स्वरूप से। तो मुझे एक पंक्ति याद आती है जो भगवान शंकर से प्रेरणा लेते हुए मोदी जी के लिए वो बिल्कुल उचित प्रतीत होती है कि मैं मधुसे अनभिज्ञ आज जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है, दीन दुखी हूं, वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के मन में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है। और आगे की लाइन थी जो महाकाल में भस्म आरती होती है कि मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और आज आप देख रहे हैं वहां पर जहां भस्म से आरती होती हो वहां ऐसा दिव्य निर्माण हो रहा है। और एक लाइन और कह दूं, भगवान शंकर आशुतोष वाले हैं तो वो प्रलयंकारी भी है। तो आगे की लाइन ये थी कि प्रलयंकर हूं महाकाल बन, पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। तो यह भी प्रेरणा मिलती है तो फिर देश के शत्रुओं के ऊपर महाकाल बनकर उनका अवसान सुनिश्चित करना हो, फिर वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो या आतंकवाद के ऊपर हो, तो वह भी करके दिखाया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यदि भगवान शंकर के प्रति किसी के मन में आस्था होगी तो वो उस प्रकार से उसको सारे रूप दिखेंगे। और यहां पे मैं एक लाइन और कह दूं, अटल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसमें भगवान शंकर के उस स्वरूप और भारतीय संस्कृति के साथ, हिंदू धर्म के साथ जो उसका संबंध है वो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने उसको व्यवस्थित किया है। उन्होंने कहा है, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पय पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको क्षण भरी छूकर, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने, फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो भगवान शंकर का वह स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणा और ऊर्जा देता है। और मुझे लगता है कि अपने आचरण में भी मोदी जी उन्हीं चीजों से प्रेरणा लेकर उसे काफी हद तक अंगीकार कर रहे हैं। हाँ, एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, जब भगवान शिव का उल्लेख आता है, भगवान शिव ईश्वर के एकमात्र स्वरूप है जो अर्ध नारीश्वर भी है, यानी आधा स्त्री आधा पुरुष। मैं विनम्रता से पर चुनौती से कहता हूं, दुनिया में जितनी सभ्यताएं देश धर्म और संस्कृतियां हैं उनमें से किसी में भी ईश्वर में स्त्री तत्व को कोई स्थान नहीं दिया गया। सिर्फ भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप के रूप का स्वरूप दिखाया है और उसमें ऐसा संबंध दिखाया है जिसे हमारे शास्त्रों में कहा गया कि वागार्थम संप्रक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, यानी शब्द और अर्थ मिलके जैसे कविता बनती है, उसी प्रकार भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में माँ पार्वती और शंकर जी के वो स्वरूप से संयुक्त होकर इस सृष्टि की रचना होती है। ये मैंने सिर्फ आपको 2-3 उदाहरण इसलिए दिए कि हिग्स बोसॉन की लैब से लेके अर्धनारीश्वर तक और भारत के कण कण में और कोने कोने में बने हुए द्वादश ज्योतिर्लिंगों से लेके विष गले में धारण कर सृजन करने वाले और जरूरत पड़ने पे आसुरी शक्तियों पर प्रलयंकर बनने वाले भगवान शिव के ये विविध स्वरूप हर भारतीय को विविध प्रेरणा देते हैं। तो मैं मानता हूं कि महाकाल का यह स्वरूप कहीं ना कहीं आने वाले काल के लिए हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएं देने में सक्षम।
बिल्कुल सुधांशु जी, राजनीतिक मसलों पर आपसे बात होती ही रहती है, लेकिन आज जिस तरीके से शिव के ऊपर आपने इतनी खूबसूरत बातें की, अब मैं आपका थोड़ा और वक्त लेना चाहूंगी, क्योंकि हम इस वक्त महाकाल की जो तस्वीरें देख रहे हैं, हम देखते हैं कि महाकाल के का जो रूप है वो दिन में कई बार बदलता है। सुबह जब 4 बजे भस्म आरती होती है तो भस्म से उनका श्रृंगार किया जाता है, दिन में एक बार उन्हें हनुमान का स्वरूप दिया जाता है। इस वक्त आप जो तस्वीरों में स्वरूप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये क्या स्वरूप है महाकाल का, और अभी जो पूजा अर्चना इस वक्त अंदर हो रही है, अगर आप उसकी थोड़ी सी पद्धति बता पाए। प्रधानमंत्री इस वक्त जो रुद्राक्ष की माला का जाप कर रहे हैं, जो तस्वीरों में इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में भी जरा जानकारी दे दें। देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं कोई विद्वान पौरोहित कर्म का प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं अगर पूजा की व्यवस्था के बारे में बोलूं तो वह अनाधिकार चेष्टा हूं। फिर भी मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। जैसे आपने अभी कहा कि शंकर जी की जब आराधना होती है तो रुद्राक्ष जरूर होता है। अब कभी आपने सोचा कि रुद्राक्ष की, देखिए उत्पत्ति की कथा कितनी मजेदार है, जो ये माना जाता है वो रुद्राक्ष कहां से उत्पन्न हुआ? जो शिव जी के 3 भक्त थे और जो 3 जो वो राक्षस थे, उन्होंने शिव जी की उग्र तपस्या की और शिव जी से वरदान मांगा और उन्होंने अंतरिक्ष में 3 पुर बसाए थे। आपने वो कथा सुनी होगी कि 3 पुर थे और वो तीनों अंतरिक्ष में चलते रहेंगे और उनको ये वरदान प्राप्त था कि वो तीनों एक साथ ही नष्ट हो सकते हैं और वो तीनों एक बिंदु पर एक साथ 30,000 वर्ष में आते थे और केवल शिव के बाण से ही नष्ट हो सकते हैं। अब आप सोचिए तो एक प्रकार से तो उन्होंने अपने को तय कर लिया था, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। अंत में जब उन्होंने बहुत उत्पात किया तो शिव जी से ही देवताओं ने आराधना की कि आप ही मार सकते हैं तो आप ही मारिए। तो आखिर में देवताओं की स्तुति पर उन्होंने तय हुए, मगर जब उन्होंने उनको वध किया तो अब देखिए वो भी उनके भक्त थे। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी एक लोक कथा है कि उससे शंकर जी की आंखों से जो आंसू निकले वो नीचे गिरकर रुद्राक्ष बन गए। अक्ष मतलब होता आंख और रुद्र भगवान शिव का पर्यायवाची है और वहां से रुद्राक्ष शब्द आता है। और यह भी एक मान्यता है कि उस आंसू से जो सरोवर बना था वो कटास राज आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध में है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और इवन ये भी समझ लीजिए कि जब यज्ञ के दक्ष के यज्ञ के उपरांत माता का शरीर लेकर उन्होंने तांडव किया था तो कहा जाता है कि माता का सर जहां गिरा था वो भी आज पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिव की स्तुति के स्वरूप, शिव के स्वरूप देश के उस कोने कोने तक हमें जोड़े रखते हैं। वो कहीं भी इलाका चला गया हो, हमारी चेतना के साथ वो असंपृक्त अविभक्त रहता है, इनसेपरेबल एंड इनडिविजिबल रहता है, और कहीं ना कहीं ये उसका प्रमाण है। और जैसा हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय उसी रुद्राक्ष से भगवान शिव की अर्चना कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ये हिंदू धर्म की उदारता की पराकाष्ठा है। जो लोग हमको सेकुलरिज्म का ज्ञान देते हैं, आप सोचिए कि अगर असुरों ने भी साधना की, इससे ज्यादा साइंटिफिक कुछ नहीं हो सकता कि उनको भी भगवान ने वरदान दिए। तो उसी प्रकार रुद्राक्ष वो है कि भगवान के आंसू उनके लिए भी निकल आए, इससे ज्यादा ओपननेस ऑफ माइंड नहीं हो सकती। यानी भगवान से आप कल्याणकारी शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं और नया सृजन भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए भगवान राम ने भी जब रावण पर विजय प्राप्त की थी तो पहले शिव की आराधना ही करनी पड़ी थी और वो रामेश्वरम का शिवलिंग आज हमें उसकी याद दिलाता है। तो मानी हुई बात है, सृजन करना हो या संहार करना हो, दोनों के लिए शिव की कृपा तो आवश्यक और अवश्यंभावी। बिल्कुल सुधांशु जी, आपने रुद्राक्ष के बारे में बेहद ही दिलचस्प जानकारी दी। अब मैं इस कॉरिडोर की बात करना चाहूंगी, इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये कॉरिडोर में मैं 2 बार जा चुकी हूँ। मैं कल दिन में भी गई, कल रात में भी मैंने इसकी छटा देखी। क्या आप इस कॉरिडोर में गए हैं? और क्योंकि ये कॉरिडोर के बारे में थोड़ी मैं जानकारी ये भी देना चाहूं कि इसमें एक नहीं बल्कि 190 मूर्तियां लगी हैं, 108 स्तंभ यहां पर लगे हैं, और इसमें आपको जब आप इस कॉरिडोर के अंदर आएंगे तो आपको लगेगा कि आपने भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। आपको समुद्र मंथन से लेकर भगवान शिव का पूरा परिवार, उनके शिव बारात से लेकर पूरी जीवन लीला की सारी मूर्तियां यहां पर दिखाई देंगी। सुधांशु जी, ये जो पूरा नजारा है, ये पूरा देवलोक का, ये महालोक का नजारा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको मौका मिला है, और अगर नहीं मिला है तो क्या आप जल्द से जल्द यहां पर आना चाहेंगे?
देखिए तकरीबन 3 महीने पहले की बात है, अगस्त के महीने में मुझे महाकाल मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला था और भस्मारती में मैं सम्मिलित हुआ था। उस समय यह कॉरिडोर बन के अपने अंतिम चरण की तरफ था, तो दूर दूर से देखने का मौका मिला था, उस ढंग से नजदीक से तो देखने का अवसर नहीं मिला है। तो आने वाले समय में जब भी जाएंगे तो निश्चित रूप से उसे देखने का सौभाग्य मिलेगा। परंतु जो मुझे वहां लोगों ने बताया, हमारे साथ जो अन्य स्थानीय लोग थे, पार्टी के भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार के भव्य और दिव्य स्वरूप में भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्वरूप हैं शिव जी के, उनके जीवन से जुड़े जो भिन्न भिन्न कथानक हैं, उनको जिस प्रकार से वहां पर उकेरा जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, तो इसका अर्थ यह होगा कि जब व्यक्ति आएगा तो उसको एक सांगो पांग यानी विद पार्ट एंड पार्सल इन टोटेलिटी। बहुत से लोग इन वर्डों को नहीं समझ पा रहे हैं आजकल, दुर्भाग्य की बात है कि हम मूल शब्दों को नहीं समझ पाते हैं आज के समय में, हम संस्कृत और भारतीय भाषाओं से इतना दूर हो गए, उसके साथ वो एकाकार हो जाए। अब जैसे बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि शिव शब्द का अर्थ क्या होता है, कल्याणकारी, शंभु, शम शब्द शांति के लिए आता है, भू का अर्थ होता है करने वाला, अवस्थित करने वाला, शंभु का अर्थ होता है जो शांति को स्थापित करे, शिव शब्द वो होता है जो कल्याणकारी हो। तो आप समझ लीजिए कि शंकर शब्द भी वही शंग धातु से बना है, यह शंकर अर्थ शांति है, जो शांति को करने वाले हो यानी स्थापित करने वाले हो वे शंकर होते हैं। तो मैं मानता हूं कि महाकाल का यह कॉरिडोर, इसमें जो भिन्न भिन्न कथाएं हैं, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, उदाहरण के लिए, और युवाओं से भी अनुरोध करूंगा, जब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो प्रिलिमिनरी कोर्सेस के एलिमेंट्स पढ़ के जाते हैं तो आप बेहतर समझ पाते हैं। IIT में जाएंगे तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बेसिक पढ़ के गए होंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। एम्स में जाएंगे तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कुछ समझ के गए होंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। उसी प्रकार महाकाल काशी विश्वनाथ जब दर्शन करने जाइए तो थोड़ा बहुत अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, नहीं तो पुस्तकों से, आज तो कुछ कुछ नेट पर भी अवेलेबल है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब आप उसे समझ पाएंगे, तब आप उसे अनुभव कर पाएंगे, अन्यथा जाकर केवल आप उसको इमारत की तरह देखकर चले। बिल्कुल सुधांशु जी, आपने ये पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि मानो वो साक्षात शिव लोक में आ गए हैं, मानो उन्हें साक्षात शिव जी के दर्शन हो गए हैं। अब मैं जरा जानकारी आपसे ये लेना चाहूंगी नंदी के बारे में। प्रधानमंत्री को जी की जो हम तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि प्रधानमंत्री भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के बाद, महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद, पूजा अर्चना के बाद, अब नंदी के पास बैठकर पूजा कर रहे हैं, नंदी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और हम जानते हैं कि जहां भी शिव होते हैं, जहां भी शिवलिंग होते हैं, वहां पर नंदी जरूर होते हैं और नंदी के दर्शन करना भी उतना ही जरूरी होता है। अब नंदी के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं, तो नंदी के बारे में भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि आखिर जो नंदी का महत्व क्या रहता है, और क्योंकि जो शिवलिंग है खासतौर पर महाकाल का, बाकी 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये जो शिवलिंग है ये दक्षिण मुखी है, इसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले सीधे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नंदी की पूजा करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, बाहर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उनके साथ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है, उनके गले में आपको ये भगवा साफा दिखाई देगा जो कि अंदर उन्हें महंत की तरफ से अर्पित किया गया है। और अब प्रधानमंत्री हाथों में द्राक्ष की माला पहने हुए, सर पर चंदन लगाए हुए, सर पर सिंदूर लगा का तिलक लगाए हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल रहे हैं। और बाहर जो मंदिर की खूबसूरत छटा है, जो मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें हैं, वो आप सीधे इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। फूलों से सजा हुआ ये पूरा मंदिर कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपको देखते ही मंत्रमुग्ध करने वाली ये पूरी तस्वीरें हैं। इसके अलावा लाइटिंग जिस तरीके से इसमें पूरे और 4 चांद लगा रही है वो आपको दिख रही है इस पूरी तस्वीरों में। अब दोबारा सुधांशु जी का रुख करेंगे। सुधांशु जी, वही सवाल कि दक्षिण मुखी ये क्यों है, जो कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है महाकाल का वो दक्षिण मुखी है, इसकी क्या महत्वता है, ऐसा क्यों है, और ये जो पूरी भव्यता इस वक्त आपको दिखाई दे रही है इस पूरे मंदिर परिसर की भी, उसके पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जो बाहर का आप लोगों ने एक लॉन्ग शॉट में दिखाया, तो जो दिव्यता और भव्यता नजर आ रही है उसे देखकर सर्वप्रथम तो मुझे ध्यान आता है कि उज्जैन की नगरी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार
सात मोक्ष धायनी नगरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तायता मोक्षदायिका। तो अवंतिका इसका प्राचीन नाम था, वह मोक्ष को देने वाली थी। और यहीं पर क्षिप्रा नदी भी है और महाकाल भी है। तो जो दृश्य इस समय दिख रहा है, जितना सुंदर नयनाभिराम दृश्य दिख रहा है, नयनाभिराम मतलब प्लीजिंग टू द आईज, वो जो सीन दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से वो दर्शाता है कि मोक्षदायिनी नगरियों में से एक प्रमुख, सात मोक्षदायिनी नगरियों में से यह नगरी अब उस वैभव और दिव्यता के साथ दिखाई पड़ रही है जो कि लोगों को प्रेरणा देगी, अनादिकाल से प्रेरणा देती आ रही है और आगे भी हमें यह प्रेरणा देती है। बहुत से लोगों को शायद न पता हो कि उज्जैन का नाम उज्जैन कैसे पड़ा, प्राचीन नाम तो अवंतिका था। ऐसी मान्यता है कि राजा उदयन ने यहाँ पर शासन किया, उनके नाम पर इस नगरी का नाम उदयनी पड़ा और वहां से परिवर्तित होकर उज्जैनी शब्द आया। और चूंकि यहाँ काल की गणना होती थी तो इसलिए यहाँ शिवलिंग का स्वरूप, शिवलिंग की दिशा, शिवलिंग की पूजा की प्रक्रिया वह बिल्कुल अलग थी। परंतु मैं आपको थोड़ा सा विषय से हटकर एक और बात कह देना चाहूंगा। जब राजा उदयन की बात आती है तो उदयन की एक कथा भी है जिसके ऊपर एक उपन्यास लिखा है कालिदास ने, जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। राजा उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी, अरे मैं लोगों से कहूंगा कि उसको पढ़ तो लो जाके, अगर पढ़ लोगे तो इतनी सुंदर उपमाएं, इतनी सुंदर उपमाएं प्रेम की, ये तो मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं, जिसको लोग आज की डेट में तमाम वो शेरो शायरी वगैरह कहते हैं भूल जाएंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए आउट ऑफ थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाकर उदयन उज्जैन के संदर्भ में इसलिए बोला कि हमारी संस्कृति की जो प्रगल्भता है, यानी जो वास्टनेस है, वो इतनी डेप्थ है। अफसोस की बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद ज्यादातर समय ऐसा रहा कि हम अपने तंत्र में स्व का अनुभव ही नहीं कर पाए, हम स्वाधीन हुए स्वतंत्र नहीं हुए। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में जो दृश्य दिख रहा आपके सामने, ये भारत के तंत्र में स्व के उद्घोष की शुरुआत हो रही है। हमें शासन अपना मिला था, राज्य मिला था, स्वराज्य नहीं मिला था। तो अब मैं कह सकता हूं कि जिसे चाहे लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य कहा हो, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कहा हो, या छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य कहा हो, स्वराज्य में जो स्व का तत्व है उसको प्राप्त करने का संघर्ष अभी भी बाकी था और उसे बड़े योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, षड्यंत्र पूर्वक तरीके से दबाया गया था। आपके प्रश्न के उत्तर में एक बात बोलता हूं, जब यहां नंदी की बात आती है जो शिव के गणों में सबसे प्रमुख है, मैं याद दिलाना चाहता हूं भारत के बौद्धिक एस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े पुरोधा लोग, जो वामपंथी लोग हैं, वो जानते अपनी प्रेरणा कहां से लेते हैं। उस कार्ल मार्क्स ने, जिसने 1854 में शिकागो हेल्ड ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा था कि हिंदू जाति चाहे जितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, ये नंदी, बैल, बंदर, हनुमान और हाथी गणेश को पूजते हैं तो ये इसी लायक है कि इन पे हुकूमत की जाए। वह व्यक्ति जो कभी भारत आया नहीं, जिसे भारत की कोई भाषा आती नहीं, जिसने संस्कृत में कुछ पढ़ा नहीं, अभी मैंने आपको भगवान शिव के जितने स्वरूप बताए उसे कुछ इसका ABCD नहीं पता, मगर अफसोस देखिए कि आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास ऐसा है जो उसी को प्रेरणा मानता है। महाकालेश्वर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये जो भव्य स्वरूप है भगवान का, इसको समझने लायक बुद्धि उनके पास नहीं थी। हम मूर्ख नहीं थे, मूर्ख वो लोग प्रतीत होते हैं क्योंकि इसके लिए जो गहराई चाहिए थी स्वरूप को समझने के लिए, कि क्या अर्थ है गणेश जी का, क्या अर्थ है हनुमान जी का, क्या अर्थ है नंदी जी का, उस पर अगर व्याख्या में जाएंगे तो एक बहुत लंबा समय हो जाएगा। परंतु मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं एक एक चीज का गहरा अर्थ, एक एक चीज का शब्द है। अगर भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है तो त्रिशूल का भी अर्थ है, त्रिशूल में तीन ही फोक्स हैं तो उसका भी एक अर्थ है, उसके ऊपर ही डमरू लगा है उसका भी एक अर्थ। कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, हर चीज एक गूढ़ चेतना के अर्थ को प्रतीक में लेकर भगवान ने अपना अवतरण किया था। और महाकाल में आज यह स्वरूप देखकर निश्चित रूप से हम और हर भारतीय आनंदित महसूस करेगा, और मैं मानता हूं कि यह एक ऐसा प्रेरक स्वरूप बनेगा जो भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक चेतना के नए काल को एक नए कलेवर में आगे लाने में सफल होगा।
बिल्कुल सुधांशु जी, आपने मंदिर के बारे में ये पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से क्या भव्यता इस मंदिर की दर्शाती है, शिव के साथ जो हर चीज जुड़ी हुई है, फिर चाहे वो त्रिशूल हो, रुद्राक्ष हो, उनके सर पर जो चांद है, उन सारी चीजों को लेकर आपने बयां किया। लेकिन अब इससे हटकर एक मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल भी पूछ ही लेती हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है, उज्जैन के इस श्री महाकाल लोक का लोकार्पण आज होने वाला है, ये सारे काम जो है ये अभी तक क्यों नहीं हुए, 2022 तक क्यों इसका इंतजार करना पड़ा? महाकाल लोक का ये कॉरिडोर पहले भी बन सकता था, केदारनाथ का जो स्वरूप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं वो पहले भी हो सकता था, ये काम पहले क्यों नहीं हो पाए? कई राज्यों में अलग अलग सरकारें थी, आखिर इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? अगर मैं इसका उत्तर पॉलिटिकल देना चाहूं तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। 18 मई सन 2014 को लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन, यानी 18 मई को वो लिख रहा 2014 में, 16 मई 2014 का दिन जिस दिन चुनाव परिणाम आए और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला, जानते हो क्या अखबार लिखता है? 16 मई 2014 शुड बी नोन एज द डे ऑन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया। ये वो इस रूप में मैं हिंदी में बोले देता हूं, यह दिन 16 मई 2014 का दिन इतिहास में वो दिन माना जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेजों ने अंततः निर्णायक रूप से भारत छोड़ा। आगे लिखता है, चूंकि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक इस प्रकार के विचार और व्यवस्था का शासन रहा जिसकी सोच मानसिकता और व्यवस्थाएं जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी थी, यानी ब्रिटिश राज्य की जो विरासत को ही वो समाप्त कंटिन्यू कर रहे थे, पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई संबंध नहीं है, जो अपनी उत्पत्ति में पूर्णतः भारतीय है, ये ब्रिटेन का एक अखबार लिख रहा जिसने हम पे हुकूमत की थी। बस इसी में आपका उत्तर निहित है कि हमारे स्व का बोध, स्वशासन का की शक्ति और स्वराज्य की भावना का उदय उसके उपरांत हुआ। इससे पूर्व वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता से आबद्ध थे। एक दो अवसर हुए, हम लोगों ने अटल जी की सरकार के समय में प्रयास किया, आंशिक शक्ति थी, सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस के अंदर भी आज़ादी के बाद बहुत से लोग थे, सरदार पटेल थे, के एम मुंशी थे, सी राज गोपालाचारी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, राजेंद्र बाबू थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे, बहुत से लोग ऐसे थे, परंतु संयोग से एक राजनीति के चलते हुए वो सब किनारे हो गए। इसलिए, और मैं एक और बात में से कह दूं ऑन द लाइटर नोट, शायद 21वीं सदी आने का इंतजार था। अब जब भारत आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी उभर रहा है, तो उस समय भारत अगर विश्व में शक्ति बनेगा तो किस लिए बनेगा? वी विल राइज नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी विल राइज टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हम विश्व को प्रताड़ित करने के लिए शक्ति नहीं बनेंगे, विश्व को प्रेरित करने के लिए शक्ति बनेंगे। और ये जो दृश्य आज इस समय आप अपने टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं, चाहे महाकाल के मंदिर का भव्य स्वरूप हो, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उभरता भव्य स्वरूप हो, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का स्वरूप हो, केदारनाथ के मंदिर का स्वरूप हो, बैद्यनाथ धाम मंदिर का उभरता स्वरूप हो, सोमनाथ के मंदिर तो पहले ही से था, जैसा मैंने बताया रामानुजाचार्य की वह भव्य प्रतिमा हो या शंकराचार्य जी की प्रतिमा हो, यह सब दर्शा रहा है कि विश्व को ज्ञान के किस सागर से ओतप्रोत करते हुए हम प्रेरित करने के लिए भविष्य में उभरने जा रहे हैं। इसे मैं अगर एक बिंदु में कह दूं, यह ऐसा पढ़ा था मैंने पुस्तकों में कि स्वामी विवेकानंद अपना शरीर छोड़ने से एक वर्ष पूर्व अमरनाथ की यात्रा पे गए 1901 में, और उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वह समय से एक शताब्दी दूर है। यदि स्वामी विवेकानंद का वह वक्तव्य सही माने तो एक शताब्दी 2001 में होती है, और 2001 में जब 21वीं सदी का पहला सूरज उगा था तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल जी के नेतृत्व में, और 2001 में ही भारत की सत्ता में मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, अगले दशक में स्पष्ट बहुमत की सरकार आई। तो कहीं ना कहीं वह भारतीयता का स्फुटीकरण जो अंकुरित हो पाया था 2001 में, वो प्रस्फुटित होकर अब
एक नया स्वरूप धारण कर रहा है 2022 में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक मतलब एक अगर पंक्ति में कहूँ कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान। बिल्कुल सुधांशु जी, आपने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी। आपसे जो सवाल मैं पूछ रही हूँ आप उसका सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, और पॉलिटिकल सवाल तो आपने बेहद ही लाइटर नोट पर होते हुए लेकिन आपने उसका जवाब जरूर दे दिया। अब मैं ये जो तमाम दर्शक देख रहे हैं टीवी पर ये खूबसूरत तस्वीरें, खास तौर पर वो युवा दर्शक वो यहाँ पर आए, इस अनुभूति को महसूस करें, इसे देखें कि किस तरीके से ये खूबसूरत कॉरिडोर को उनका निर्माण किया गया है, इसे अपनी आंखों से देखें ताकि आप समझ सकें कि कितनी मेहनत के साथ इस को तैयार किया गया है। जो दर्शक इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आएंगे उज्जैन में, यहाँ पर आकर आप महाकाल के इस खूबसूरत कॉरिडोर की तस्वीरों को अपनी आंखों से देखेंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप पछताएंगे नहीं, और आप अपने साथ एक ऐसा अनुभव समेट कर लेके जाएंगे जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। सुधांशु जी, हम जो युवा है खासतौर पर उनके बारे में मैं आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहूंगी कि उनको आप किस तरीके से प्रेरित करेंगे, उनको आप क्या जानकारी देने चाहेंगे इस महाकाल के कॉरिडोर के बारे में, इस महाकाल की नगरी के बारे में, ताकि उनके मन में भी यह ललक पैदा हो कि वो घर पर बैठकर इन तस्वीरों को ना देखें बल्कि यहां आए, अपनी आंखों से इस पूरे अनुभव को महसूस करें, इस पूरे तस्वीरों को देखें, इस पूरे कॉरिडोर की तस्वीरों को अपने दिल में उतारें। कुछ थोड़ी सी प्रेरणा उन युवकों के लिए, उन तमाम दर्शकों के लिए जो अभी तक यहां नहीं आए हैं, लेकिन उनके लिए एक प्रेरणा जरूर बने कि ये जरूर यहां पर आए। देखिए, देश के युवा वर्ग से, युवक और युवतियों से मैं कहना चाहूंगा, आप भारत के मूल तत्व को समझिए। आप लोग बाहर ट्रेवल करने जाना चाहते हैं, कहते हैं ना टूरिज्म पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? साहब वेकेशन मनाने जा रहे हैं। वेकेशन किस लिए मनाने जा रहे हैं? बहुत मानसिक थकान हो गई है, थोड़ा मन तरोताजा हो जाएगा और मानसिक ऊर्जा मिलेगी और लौट आएंगे। यह है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। भारतीय कॉन्सेप्ट में टूरिज्म को हिंदी में पर्यटन कहते हैं। पर्यटन हमारे यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, तीर्थाटन इंपॉर्टेंट है। यानी रिक्रिएशनल टूरिज्म नहीं, डिवोशनल टूरिज्म। अब जब आप रिक्रिएशन टूरिज्म में जाते हैं तो आपको सिर्फ मन की ऊर्जा मिलती है, मन आपका प्रसन्न होता है, खुश होते हैं। जब आप डिवोशनल टूरिज्म में यानी तीर्थाटन पे आते हैं, महाकाल जैसे तीर्थों पे आते हैं, और अगर सारे तत्व बोध को समझ कर आएंगे, उन सारे नियमों का पालन करके आएंगे, तो मानवीय बात आप अपनी आत्मा में ऊर्जा लेके जाए, एक अलग प्रकार की अनुभूति आप लेकर जाएंगे। जी, मैं जरा आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं और अब कुछ देर में वो मुख्य द्वार से कॉरिडोर के लिए निकलेंगे, लेकिन तब तक रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आप खूबसूरत तस्वीरों के साथ इस पूरे महाकाल कॉरिडोर का आनंद लीजिए। ब्रेक के उस पार हम आपके साथ बने रहेंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन भी आपको सुनाएंगे। तब तक रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अभी फिलहाल आपको तस्वीर दिखाएं कि ये पूरा जो कॉरिडोर है किस तरीके से पूरी रोशनी में लाइटों से जगमगा उठा है। जो डांसिंग लाइट्स का मैं जिक्र कर रही थी कि ये जो डांसिंग लाइट्स है ये किस तरीके से इस पूरे कॉरिडोर की खूबसूरती को और बढ़ा रही है। हर रंग की लाइट्स आपको यहां पर दिखाई देंगी, और जो मुख्य द्वार है वहां से प्रधानमंत्री का काफिला कुछ देर में निकलेगा और इस पूरे रुद्र सागर की परिक्रमा करते हुए उस नंदी द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटर करेंगे। अभी फिलहाल प्रधानमंत्री महाकाल मंदिर के परिसर में मौजूद है, पूजा अर्चना हो चुकी है। प्रधानमंत्री का स्वरूप आपने देखा कि किस तरीके से सफेद रंग के धोती में वो प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे थे, सफेद रंग का गमछा लपेटे हुए थे, उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, सर पर चंदन था, और पूजा आरती करने के बाद प्रधानमंत्री ने नंदी की पूजा की और उसके बाद वहां पर ध्यान लगाकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे कुछ देर में, और फिर उनका काफिला सीधे इस कॉरिडोर की तरफ जाएगा। इस कॉरिडोर में की छटा जो दिखाई देगी, बेहद ही खूबसूरत छटा, जब प्रधानमंत्री यहां पर इस कॉरिडोर में एंटर करेंगे और वहां पर लोकार्पण करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी हम आपको इंडिया टीवी पर सुनाएंगे। जब प्रधानमंत्री सभा स्थल में हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, उनको सुनने के लिए बेताब है, और प्रधानमंत्री जल्द ही उन्हें भी संबोधित करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको लगातार ये विहंगम दृश्य हम इंडिया टीवी पर दिखाते रहेंगे।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।